बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी के बिजनौर में एक एनआईए अफसर का मर्डर कर दिया गया है। बदमाशों ने एनआईए अफसर तंजील अहमद को गोली मारी है। तंजील अहमद नाम के इस अफसर की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उस वक्त फायरिंग की जब एनआईए अफसर तंजील अपने परिवार के साथ थे। गोली उनकी पत्नी को भी लगी है, जिन्हें नोएडा के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एटीएस के आईजी और डीआईजी भी मौके पर पहुंच गए। एनआईए की एक टीम भी बिजनौर पहुंची है। एनआईए ने हालांकि साफ कर दिया है कि मारे गए अफसर की पठानकोट हमले की जांच में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि अफसर की किसी से कोई दुश्मनी थी, लिहाजा अब यह सवाल उठ रहा है कि कहीं इस कत्ल के पीछे ऐसी जांच तो नहीं है जिसमें यह अफसर शामिल रहा। बड़ी खबर इस समय बिजनौर से। सहसपुर में नगर पालिका सहसपुर गेट के पास दो बाइक पर आए चार बदमाशों ने ये ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि तंजील अहमद को गोलियां लगी, उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इज गेटिंग ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल। He was an assistant commandant with Border Security Force, currently on deputation with National Investigation Agency. He was with us since last 6.5 years. At what post? He was in NIA, he was an inspector, but back in BSF, he was an assistant commandant. Sir, he was part of JIT team which is going to Pakistan or not? I am not taking any question. These are unrelated ones. Right now the investigation is on there. The UP police, UP STF, UP ATS, the teams of NIA, the DIG of NIA from Lucknow and his team, a team from Delhi, all of them are there in on the spot and they are doing the inquiry. So we'll tell you. It is expected in the evening. Thank you. Sir, Hindi mein bhi Delhi, Delhi mein sir, Delhi mein. Sir, Hindi mein bata dijiye chhota sa. हमारे एक बहादुर अफसर मोहम्मद तंजील अपने गांव एक शादी अटेंड करने गए थे और कल रात में 12:45 पर जब वो वहां से उस फंक्शन से लौट रहे थे बिजनौर जिले में, वहां उन पर घात लगाकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और काफी गोलियां चलाईं और उस गोलीबारी में हमारे बहादुर तंजील शहीद हो गए और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं, जिनका इलाज यहाँ चल रहा है। ये इस पूरी घटना की जांच यूपी की एटीएस, यूपी की एसटीएफ और हमारी अलग अलग टीमें, दिल्ली की टीम, हमारी लखनऊ की टीम, हमारे लखनऊ के डीआईजी एसपी, ये सब वहाँ कैंप करके अभी कर रहे हैं। उनका जो पार्थिव शरीर है हमारे तंजील का, उसको दिल्ली लाया जा रहा है। धन्यवाद। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, एनआईए के सवाल पर, खासतौर से जो जीआईटी पाकिस्तान से आई थी उसके सवाल पर, ये एनआईए के अधिकारी जो हैं इन्होंने भी चुप्पी साधे रखी है, क्या डिटेल्स आपके पास आ रही हैं इस समय? विवेक, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी शेखर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपके पास तंजील अहमद की जो हत्या हुई है उससे जुड़ी क्या डिटेल्स आ रही हैं, खासतौर से जीआईटी को लेकर के एनआईए के अधिकारी अभी खामोश ही हैं। जो बाइट हमने सुनवाई अपने दर्शकों को उस पर इन्वेस्टिगेशन टीम जो पाकिस्तान से आई थी उसमें किस तरह की भूमिका थी तंजील की, उसे लेकर खामोश हैं अभी एनआईए? देखिए, जो बातें बताई गई है जो अभी तक आईसी के आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया, लेकिन यह कि पठानकोट हमले की जो जांच एनआईए की टीम कर रही है उससे तंजील अहमद का ताल्लुक नहीं था, लेकिन जो पाकिस्तान से जीआईटी आई थी उसकी लाइजनी के लिए इनको लगाया गया था। उसकी लाइजनी की जो टीम थी, यानी एनआईए और जीआईटी के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम था उसकी जो टीम थी उसमें तंजील अहमद शामिल थे। दूसरा, बिजनौर में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच जो एनआईए की टीम कर रही थी उस टीम में जरूर थे तंजील अहमद। तो अभी जिस घटना से ताल्लुक है नहीं है ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई उनकी पत्नी को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि परिवार की ओर से अभी तक यही बताया जा रहा है कि कोई पारिवारिक रंजिश नहीं थी, लेकिन वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है शेखर।
और जब उनकी पत्नी होश में आएंगे हो सकता है उनसे पूछताछ के बाद कुछ सामने आए, लेकिन फिलहाल पुलिस इंक्वायरी कर रही है, दो लोग थे मारने वाले ये बात पुलिस कह रही है। शुक्रिया विवेक इन जानकारियों के लिए। तंजील अहमद जब घर के नजदीक पहुंचे तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। तंजील के परिवार वालों का क्या कहना है आइए सुनते हैं। भाई थे हमारे सेवारा से आ रहे थे शादी में से वापस, और वो आते में वापस जो है जब घर की तरफ आ रहे थे बिल्कुल करीब पहुंच गए थे घर के, वहीं अंदर से एक बाइक थवारा है दोनों, उन्होंने गोली चला दी। रात ये शादी में गए तंजील भाई जो DSP दिल्ली NI में काम करते हैं करते थे, और वहाँ शादी से वापसी में इनके साथ ही हादसा पेश आया। जो हैगा पत्नी कौन से कौन लोग हैं उनको रास्ते में रोका और उन पर फायरिंग कर दी। सीन में लगभग 20-22 गोली लगी उनके। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यार को गिरफ्तार किया जाएगा। थी रात इनकी भांजी की शादी थी, शादी के बाद अपनी वैगन आर गाड़ी से लौट रहे थे, ये इनके साथ दो बच्चे थे, घर के पास ही अपने वैगन आर से पहुंचे तो कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनको गोलियां से इनकी हत्या कर दी। अब हम आपको NIA अफसर तंजील अहमद के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। तंजील अहमद पिछले 5 साल पहले NIA में शामिल हुए थे और फिलहाल डिप्टी SP के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि तंजील अहमद कई घटनाओं में जांच टीम का हिस्सा रहे। शुरू में ये भी बताया जा रहा था कि वो पठानकोट आतंकी हमले की जांच टीम का हिस्सा थे, लेकिन बाद में NIA ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन अभी हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने बताया है कि NIA और GIT के बीच जो लाइजनिंग का काम था वो तंजील अहमद के पास था। गंभीर रूप से जख्मी तंजील अहमद की पत्नी को नोएडा लाया गया जहां उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग पहले तो तंजील साहब की जो पत्नी है उनकी हालत के बारे में बताइए, अगर डॉक्टर से अपडेट मिला हो आपको। देखिए शेखर उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, लेकिन जो फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हर तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि उसकी जिंदगी बचाई जाए। क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा बह गया था तो इस वजह से डॉक्टर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो आने वाले 2 घंटे होंगे उसमें जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जो स्पेशल डॉक्टर्स की टीम है उनको लगाया गया है। इसके अलावा मैं शेखर आपको एक अपडेट और दे दूं, अभी कुछ देर पहले जो IG NIA है वो यहाँ पर आए थे और उनसे हम लोगों की बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर जो तंजील अहमद थे वो काम कर रहे थे। अब देखना होगा कि कौन सा ऐसा केस था, किसकी जो सेंसिटिविटी और ग्रेविटी ऐसी है कि जिसको लेकर उन पर हमला हो सकता है। कुछ इस तरह के भी ऑफ द रिकॉर्ड हमको इनपुट मिले हैं शेखर कि जो लोकल स्लीपर सेल होता है उनके जरिए ये काम कराया गया है। अगर कोई आतंकी मामले की वो जांच जिस तरह से कर रहे थे, जिस तरीके से हमारे लखनऊ के जो संवाददाता विवेक तिवारी उन्होंने बताया कि लाइजनिंग का ये लोग काम करते थे तंजील अहमद, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट था जो तंजील अहमद के पास था जिसके चलते उनको टारगेट बनाया गया। लोकल एनिमिटी की अगर हम बात करें तो परिवार के लोगों ने पूरी तरह से इंकार किया है, कहा है कि वो बहुत मिलनसार थे, किसी से कोई किसी तरह की रंजिश नहीं थी, पूरा का पूरा जो उनका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा जो बदमाश थे उनको मारने वाले वो पूरी तरह से उनका टारगेट उनको मारने का था, और उनके जो रिश्तेदार थे उनसे मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने अपने बच्चों को नीचे बैठने के लिए कहा, तो कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे थे वो सेफ हो गए और उनको इस बात का अंदेशा था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने बच्चों को नीचे बैठने के लिए कहा, और लेकिन वो अपने आप को नहीं बचाए। जितनी गोली उनको मारी गई है उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो भी बदमाश थे उन्होंने अनजाने में उनके ऊपर कोई फायरिंग नहीं की है, उनका टारगेट पूरी तरह से DSP तंजीन अहमद थे और उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर दिया। अब उनकी पत्नी नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में है, गंभीर रूप से घायल है। अगर मैं आपको बताऊं सुरक्षा एजेंसियों की और जितनी भी तमाम तरह की जांच एजेंसियां हैं शेखर, उन्होंने नोएडा डेरा डाल लिया है। IG NIA जो है वो खुद यहां मौजूद है। इसके अलावा जो ATS के बड़े अधिकारी हैं वो भी फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जहां जहां से उनको इनपुट मिल रहा है वहां से वो इनपुट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग दो लीड्स मेरे पास आई हैं, मैं बातें हैं जो मीडिया के सामने शेखर निकलकर
जी आ रही हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि दो चीजें मेरी जानकारी में आई हैं। एक तो ये कि जो बिजनौर में ब्लास्ट हुआ था, उसके अलावा जो सिमी के आतंकवादी भागे थे, इसके अलावा जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बस में, उसको सिलेंडर ब्लास्ट भी कहा जा रहा था, इसकी एक कड़ी पूरी तंजील अहमद ने बनाई हुई थी। और इसके अलावा जो जंगलों में छानबीन चली उन आतंकवादियों की, और कई जगहों पर जो छापेमारी हुई उस दौरान जब ये आतंकवादी भागे थे, तो तंजील के पास कई लीड्स ऐसी थी जिसमें वो आगे बढ़ सकते थे, एजेंसी आगे बढ़ सकती थी। साथ ही पिछले साल उन्होंने कुछ आतंकियों को पकड़ा था। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेल्स भी एक्टिव हुए हों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी 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 मौजूदगी को जताना चाहा हो। देखिए शेखर, ये बात बिल्कुल सही है कि जो वेस्टर्न यूपी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर खुफिया जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट रहती है और उनके पास इस तरह का पुख्ता इनपुट है कि यहां पर आतंकियों के जो स्लीपर सेल्स हैं वो रहते हैं। और बिल्कुल जो तंजीन अहमद थे एनआईए के डिप्टी एसपी, उनका जो नेटवर्क था वो पश्चिमी यूपी में काफ़ी मजबूत था। जब एनआईए में उन्होंने एंट्री की थी तो इसी बात पर उनको शामिल किया गया था क्योंकि उनके पास जो लोकल इंटेलिजेंस है उनका काफ़ी मजबूत है और जो आतंकियों के स्लीपर सेल्स होते हैं उन पर काम करने में उनको काफ़ी महारत हासिल थी। और जिस तरीके से बिजनौर का इलाका हो और आसपास के इलाकों में जो ब्लास्ट हुआ था वहां पर जो सिमी के कार्यकर्ता थे तो उनको लेकर उनके पास काफी मजबूत इनपुट था और शायद इसी वजह से वो स्लीपर सेल्स के टारगेट पर थे। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो स्लीपर सेल्स यहां पर मौजूद थे आतंकियों के, उनसे उनको इनपुट मिला होगा, उसके बाद ऊपर हमला हुआ। तो बेहद करीब थे वो किसी नेटवर्क के, शायद वो उस नेटवर्क के लोगों को लगा होगा कि तंजीन अहमद उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, तो इस वजह से उनको टारगेट किया गया। जो ATS और NIA के जो बड़े अधिकारी यहाँ पर कुछ देर पहले आए थे, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर हमें संकेत दिए कि लोकल एनिमिटी का ये मामला बिल्कुल नहीं है, ये मामला बेहद गंभीर है। कई ऐसे महत्वपूर्ण इनपुट थे तंजीन अहमद के पास जिनको लेकर जो आतंकी संगठन है वो बेहद गंभीर थे और कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स के एक बड़े गिरोह का यहाँ पर खुलासा हो सकता था, तो इस वजह से उनको टारगेट किया गया है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। देखना होगा शेखर की अगले आने वाले जो 4-5 घंटे हैं उनमें सुरक्षा एजेंसियों के हाथ क्या लगता है। अनुराग इन तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में खुद को नियमित किए जाने की मांग को लेकर अस्थायी शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गेस्ट टीचर्स ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हंगामा किया। गेस्ट टीचर्स ने केजरीवाल सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इन लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार को सत्ता में आए 2 साल हो गए लेकिन अब तक उनको स्थायी नहीं किया गया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करने का वादा किया गया था लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। इसी बात को लेकर अस्थायी शिक्षकों में गुस्सा है कि सरकार इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ क्योंकि उन्होंने हमसे परमानेंट होने का वादा की गेस्ट टीचर को सत्ता में आते के साथ सबसे पहले उनको परमानेंट किया जाएगा लेकिन आज अब खुद ही देख सकते हो कि उनको 2 साल होने के बाद भी केवल 700 800 900 रुपए की केवल मजदूरी दी जा रही है। हमारा इतना बड़ा यूथ एक क्वालिफाइड यूथ है और जो कंडीशन एक टीचर बनने के लिए होती है वो सारी क्वालिफिकेशन हमारे पास है ना। तो हम लोगों को ये मिला है कि हम लोगों को फिक्सेशन हो या हम लोगों को परमानेंट किया जाए ना, हमारी सैलरी अभी तक फिक्स आती है। हमारी जो भी सैलरी आती है वो भी जो जितनी आती है वो 5-5 महीनों में आती है, कभी भी पूरी सैलरी नहीं आती हमारी। हमें सिर्फ हम केजरीवाल से इतना ही मांग रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, यहीं पर फिक्सेशन किया जाए। जब हमारा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, हमारी पूरी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी हमें फिक्सेशन क्यों नहीं किया जा रहा। देश भर में सराफा कारोबारियों की हड़ताल जारी है। 1 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन अब तक ज्वेलरी की दुकानें नहीं खुली हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे सराफा कारोबारी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जुट रहे हैं। बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सराफा कारोबारी सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सराफा कारोबारियों की हड़ताल का असर पब कारोबारियों के परिवारों पर भी पड़ने लगा है। कारोबार न चलने की वजह से अब लोग खुदकुशी कर रहे हैं।
हड़ताल का असर अब सराफा कारोबारियों के परिवार पर भी पड़ने लगा है। यूपी के कानपुर में सराफा कारोबारी अजय वर्मा की पत्नी ने खुदकुशी कर ली। पिछले कुछ दिनों से कारोबार बंद होने की वजह से तनाव में थी। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हो रहा था। अजय की पत्नी स्नेहलता ने खुदकुशी की। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के खिलाफ पिछले महीने से सराफा कारोबारी हड़ताल पर हैं। इसका असर छोटे और मंझोले कारोबारियों पर पड़ रहा है। नतीजा कि लोग अब खुदकुशी करने पर आमादा हैं। थाना काकादे में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने फांसी लगा ली है शास्त्री नगर क्षेत्र में। सूचना पर थाना काकादेव की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी हम इस पे और जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद जो भी आगे निकल के आएगा उसी के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी जो बड़े कारोबारी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके ऊपर लगेगा। छोटे कारोबारियों के लिए इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, एक जो कानपुर से घटना सामने आई उसमें पुलिस ने कहीं ये नहीं कहा है कि उन्होंने खुदकुशी इसलिए की कि कहीं से भी वो दुकान बंद होने से परेशान थे, घरेलू झगड़े का भी एक कारण हो सकता है। ये अलग बात है कि उनके घर में वो सराफा कारोबारी थे। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि दिल्ली में आज जो ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, महीने भर तक कोई दुकान बंद रहे और लोगों का खर्चा पानी चलता रहे तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से उनके पास अपना बैकअप है। छोटे कारोबारियों को इससे दिक्कत हो सकती है और उसके कलह के नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़े कारोबारियों पर, सराफा व्यापारियों पर उसका कोई फर्क नहीं है। तो ये विरोध प्रदर्शन कितना मायने रखता है, क्योंकि सब जानते हैं कि सराफा कारोबारी अपने कारोबार की आड़ में किस किस तरीके से किन किन चीजों को प्रभावित करते हैं। देखिए शेखर, कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से आज 34वां दिन है इस पूरी हड़ताल का, और अब इसका असर जो वर्कर्स हैं, जो इसके साथ जो सेल्स वर्कर काम करते हैं जो है, इन सब लोगों में तो पड़ना लाजमी है, क्योंकि 34 दिनों तक बगैर सैलरी के, बगैर काम के, आखिर इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो ज्वेलर्स हैं वो इस स्ट्राइक से बिल्कुल भी ड्रा करने को तैयार नहीं है अपने आप को। उनका कहना है कि एक्साइज के बगैर अब कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि जब हम 34 दिनों तक लड़ रहे हैं, अभी हम जितना वो होगा हम उतना लड़ेंगे, हम कैसे भी करेंगे, लेकिन हम एक्साइज के बगैर समझौता नहीं करेंगे जब तक एक्साइज ड्यूटी खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि आखिर सरकार को और इन ज्वेलर्स को, दोनों लोगों को कोई बीच का रास्ता खोजना चाहिए, लेकिन अब तक हैरत की बात यह है कि 34 दिनों के बीच में भी कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसका असर छोटे कारोबारियों पर या इस पर डिपेंडेंट जो दूसरे वर्कर्स हैं उन पर दिखाई दे रहा है। और कानपुर में भले ही उसका कारण कुछ भी रहा हो ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि में वो समस्याएं या वो परेशानियां जरूर दिखाई दे रही है, और खासकर जो वर्कर ग्रुप है उसमें तो जरूर वो समस्याएं दिखाई, क्योंकि यहाँ पर भी आज जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है इसमें भी तमाम वर्कर्स हैं, उन लोगों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग कब तक आखिर अपने ठंडे चूल्हे के बल पर अपना परिवार चलाएंगे, बगैर वेतन के कैसे हम लोग काम करेंगे, सरकार बीच का रास्ता निकाले, कम से कम दुकानें खुल जाए, हमारा कारोबार शुरू हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज्वेलर्स हैं वो बगैर एक्साइज ड्यूटी को खत्म किए बगैर कुछ भी तैयार नहीं है। ऐसे में रास्ता सरकार को ही निभाना होगा। हाँ, इस मुद्दे पर राजनीति भी तेजी से हो रही है। पहले जब ज्वेलर्स कह रहे थे कि हम किसी राजनीतिक दल को अपने साथ नहीं लाएंगे, आज अरविंद केजरीवाल भी इनके मंच पर आ रहे हैं, वो भी इनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं, और इस मंच से इनके साथ केंद्र सरकार के विरुद्ध कहीं ना कहीं यलगार करेंगे। तो सवाल ये भी है कि ये मुद्दा अब असल समस्या से ऊपर उठ करके एक बड़ी राजनीति का भी हो गया है, और ऐसे में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है, और हो सकता है यही और हठधर्मिता की कारण बन जाए और ये जो बीच का रास्ता निकलना हो वो भी मुश्किल हो। तो ये भी देखना होगा कहीं ना कहीं सरकार को, इसका खामियाजा छोटे जो कारोबारी हैं या छोटे वर्कर्स हैं उनको ना भुगतना पड़े, और ऐसे में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाए। चले बढ़िया है, एक्साइज विभाग में नौकरी कर चुके हैं केजरीवाल, वो जानते हैं कि किस तरीके से अंदर खाने काम होता है। अब चूंकि नेता बन गए हैं तो जाहिर सी बात है कि नेतागिरी चमकानी जरूरी है ऐसे मौकों पर। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इन जानकारियों के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है और जिस तरीके से सराफा कारोबार होता है हिंदुस्तान में, और सरकार की जो मंशा है, जो दलील दी जा रही है इस पूरे उस अभियान में,
वो अगर आप बारीकी से समझेंगे तो ये पाएंगे कि ब्लैक मनी का जो पूरा संकट है उसमें एक बहुत बड़ा शेड, उसकी आड़ इन बड़े सराफा कारोबारियों के रास्तों से होकर के जाती है। अब बचे जो छोटे कारोबारी हैं तो उनके पास एक विकल्प ये भी है कि अगर बड़े सराफा व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल रहे हैं तो हुनर उनके पास है, वो देखें कि किस तरीके से सरकार की योजनाओं के जरिए वो अपना स्टार्टअप लगा सकते हैं। रिस्क लेनी पड़ती है, अगर आप व्यापारी हैं केवल नौकरी के भरोसे मत बैठिए, वो उनके पास इतना बैकअप है कि वो साल भर भी बैठे रह जाएंगे।